नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं स्वाति, और आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। वाराणसी में डिवाइन सैनिक स्कूल लहरतारा में चल रहे वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में शिवाजी हाउस विजयी हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर सुधाकर श्रीवास्तव सहायक प्रोफेसर बीएचयू के बच्चों का उत्साह वर्धन किया। इस क्रम में बच्चों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी किया, जिसमें प्रथम पाली में 50 मीटर रेस, बैलून फोड़ना, कबड्डी, प्लेट डेकोरेशन, वॉलीबॉल, साइकिल रेस, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, क्रिकेट आदि प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा दिखाई। समापन समारोह के अवसर पर अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इस क्रम में विजयी प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि संस्था निदेशक SN सिंह व प्रधानाचार्य नविता श्रीवास्तव को पुरस्कृत कर बोले, आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करें। इस अवसर पर संस्था के संरक्षण समिति के सदस्य आजाद शत्रु तेज प्रताप सिंह, गरिमा सिंह उपस्थित रहे। वाराणसी से हमारे संवाददाता संजय सिंह की रिपोर्ट। मैं संजय कुमार पांडे, डिवाइन सैनिक स्कूल लहरतारा वाराणसी का सोशल साइंस का टीचर हूँ, और मेरा हाउस एनुअल खेल प्रतियोगिता में ओवरऑल प्रथम स्थान आया। वैसे तो ये हर हाउस के हर बच्चे जो है शुरू से लेकर 12वीं कक्षा तक अपना अच्छा प्रदर्शन किए, लेकिन उसमें कुछ बच्चे जो है और अति उत्कृष्ट प्रदर्शन किए, जिसमें से अनुशासन और उनकी शिक्षा और खेल के प्रति जो है प्रतिबद्धता को दिखाता है, और इस तरह जो है वह दिनों दिन जो है हर क्षेत्र में, चाहे वह खेल हो या शिक्षा हो या अनुशासन हो, सब में जो है अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए हमारे वाराणसी में अपना नाम रोशन करते हुए देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, किस खेल प्रतियोगिता के आप बच्चों का कोच या सीनियर रहे, यहाँ पर जो प्रतियोगिता हुआ किस टीम का है? मैं स्पेशली रेस कर रहा हूँ जी। तब उसमें रेस में क्या आपके प्रतियोगिता में जो बच्चे रहे आपकी टीम? एनुअल स्पोर्ट्स डे सफलतापूर्वक हुआ संपन्न। वाराणसी डिवाइन सैनिक स्कूल बौरिया शाखा में एनुअल स्पोर्ट्स डे 23 व 24 नवंबर 2019 को सफलतापूर्वक संपन्न होगा। मुख्य अतिथि कर्नल राजेंद्र मौर्य ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में कक्षा प्ले ग्रुप से लेकर 8 तक के छात्र छात्राओं ने भाग लिया, और श्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ साथ कार्यक्रम को सफल बनाए। खेल प्रतियोगिता में बुक बैलेंस रेस, खो खो, स्लो साइकिल रेस, म्यूजिक प्लेयर, बैडमिंटन, कबड्डी आदि खेल शामिल थे। एक तरफ जहां अलग अलग खेलों में बच्चों ने बड़े जोश के साथ प्रदर्शन किया, वहीं छात्र छात्राओं ने रंग बिरंगे परिधानों में सजी हुई सुंदर व मनमोहक का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर विद्यालय के चेयरमैन SN सिंह, निदेशक तेज प्रताप सिंह के साथ संपूर्ण विद्यालय परिवार उपस्थित था। मुख्य अतिथि बच्चों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें खेल में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन प्रधानाचार्य रीना मल्होत्रा की देखरेख में संपन्न हुआ। धन्यवाद ज्ञापन प्रधानाचार्य ने किया। वाराणसी से हमारे संवाददाता संजय सिंह की रिपोर्ट। मैं डिवाइन सैनिक स्कूल बौलिया ब्रांच की प्रिंसिपल मिसेस रीना मल्होत्रा आज अपने बच्चों का लहरतारा प्रांगण में स्वागत करती हूँ। दो दिन के दिवसीय स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए मेरे बच्चे दो शिफ्टों में यहाँ पर स्पोर्ट्स और कल्चरल इवेंट्स के भाग के हेतु आए हैं। यहाँ लगभग कितने बच्चे प्रतियोगिता में? यहाँ पर स्पोर्ट्स इवेंट्स में 550 से ज़्यादा बच्चे और कल्चरल इवेंट्स में 170 से ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेशन दिखाया है। यहाँ पे मुख्य रूप में एथलेटिक्स, क्रिकेट, बैडमिंटन, खो खो, कबड्डी जैसे खेलों को प्रोत्साहित हेतु कराया जा रहा है। कितने वर्षों से चल रहा है? जिस साल से स्कूल की स्थापना हुई, स्पोर्ट्स को हम बहुत महत्वता देते हैं, इसलिए हर साल हम स्पोर्ट्स के प्रोत्साहन के लिए ये आयोजन करते हैं। मैं मुख्य रूप से बच्चों को क्या उद्देश्य देना चाहती? मैं बच्चों को उद्देश्य देना चाहती हूँ कि बच्चों, पढ़ाई के साथ साथ आपके सर्वांगीण विकास के लिए आपके लिए खेल कूद को भी बहुत महत्व दीजिए, और फिटनेस आपके खेल कूद को ही एक्चुअली प्रोत्साहित करेगा। उत्तर प्रदेश बिजनौर थाना मंडावर में आज भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने किसानों पर
गन्ने की पत्ती व पराली फूंकने पर प्रशासन द्वारा हो रही कार्रवाई को रोकने के लिए थाना मंडावर प्रभारी सत्येंद्र कुमार को दिया ज्ञापन। बिजनौर से नरेश कुमार की रिपोर्ट। टोपी हमारी तो है इनके आगे। हेलो, क्या नाम है सर आपका? धर्मेंद्र कुमार। बताएं, जो आपने थाने में जाकर जो, हाँ, ये जनपद बिजनौर के अंदर थाना मंडावर पड़ता है, यहाँ पर हमने थाना अध्यक्ष को अवगत कराया है कि किसी भी किसान के खिलाफ प्रदूषण के मामले को लेकर मुकदमेबाजी ना हो, क्योंकि 20 साल पहले भी किसान खेती कर रहा था और आज भी खेती कर रहा है। 20 साल पहले क्या वाहनों की संख्या इतनी थी जो आज है? वाहनों की संख्या के कारण, कल कारखानों के कारण, जो फैक्ट्रियों को लाइसेंस दिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, उनसे प्रदूषण इतना फैल रहा है जिसके कारण ये जो वातावरण है वो दूषित हो रहा है, ना कि किसान की पराली या पत्ती के कारण हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर सरकार को लगता है कि पत्ती पराली के कारण हो रहा है तो हम उसके निस्तारण के लिए थाने में जाकर ज्ञापन दिया गया है और कहा है कि पत्ती और पराली का निस्तारण प्रशासन करे। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि किसान की पराली को कहाँ ले जाएगा और कहाँ पत्ती को घेरेगा। अगर 3-4 दिन के अंदर इसका निस्तारण नहीं करते हैं तो किसानों से आह्वान किया जा रहा है और किसान भी आक्रोशित है। किसान चाहते हैं कि पत्ती और पराली को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ले जाके थानों के अंदर भरने का काम किया जाएगा। थाना प्रभारी ने क्या कहा? थाना प्रभारी ने अग्रिम कार्रवाई के लिए कहा है कि मैं प्रशासन को अवगत करा दूंगा, अपने कप्तान को और डीएम साहब को, जो भी वहाँ से शासन आदेश आएगा उसी के अनुसार हम उसका निस्तारण करेंगे। उत्तर प्रदेश बिजनौर मंडावर क्षेत्र के कोहरपुर ग्राम के लोग जान जोखिम में डाल कर रहे हैं अपने जीवन से खिलवाड़। ग्रामीणों का कहना है खेती गंगा पार होने के कारण हर रोज करना पड़ता है मुसीबतों का सामना। बिजनौर से राजीव कुमार की रिपोर्ट। जी परिचय दें आप अपना। कोहरपुर के रहने वाले हैं जी। हमारी खेती इधर गंगा पार ही है। हम डंगरों के लिए, लियार के लिए और अपना गन्ना वन्ना छोले सारा काम इधर ही हमारा, तो ये गंगा उतर के जाना पड़ा। इसमें कई बार किश्ती भी डूब गया और बच्चे भी जा हैं, औरतें भी जा हैं। बता क्या करें और कहाँ जाएं हम? शासन प्रशासन हमारे तरफ कोई देखभाल नहीं करता बिल्कुल भी। हम तो बहुत परेशान हैं यहाँ। और बताओ जी अपना परिचय दें आप। किस जगह खड़े हो जी आप? नहीं, किस चीज पर खड़े हो आप ये बताएं। जी जी आपने अपना परिचय? रहने वाले जी जी, मजबूरी में खेती कर रहे हैं, रात में डूबना है बच्चों को, छोटे बच्चे हैं। इस मामले में बस ये जोड़ा लगा रखा है, इसका कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। सुविधा करवाइए आप। जी आप बोल रहे हैं, बताइए जी। जी बताएं आप कहाँ से आ रहे हो जी आप? अच्छा, गंगा के दूसरी साइड से आ रहे हो। कहे में खड़े हो आप इससे? जी गंगा में खड़े हो। कहाँ के रहने वाले हो जी? कोहरपुर के। तो उधर क्या करने के लिए जाते हो जी आप? खेती आपकी उधर है? अच्छा, गांव किधर है जी आपका? जी आप बताएं। जी 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 और बताएं आप। जी 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 आप बताएं, अपना नाम बताएं जी आप। जी जी जी।
फास्ट न्यूज इंडिया बिजनौर मंडावर से राजीव कुमार। फोर व्हीलर ने ट्रक में मारी जोरदार टक्कर। जी हाँ, आजमगढ़ के लालगंज रोड पर एक ट्रक खड़ा था जिसमें तेज रफ्तार से आ रही एक फोर व्हीलर ने ट्रक में जोरदार टक्कर मारी। गाड़ी में जो लोग बैठे थे उनकी हालत गंभीर बनी हुई है, उनको लालगंज से बनारस के लिए रेफर कर दिया गया है। आजमगढ़ से हमारे संवाददाता सादिक उस्मानी की रिपोर्ट। हाँ बताइए, कैसे मतलब जो है कई लोग घायल हुए इसमें? स्पष्ट नहीं हो पा रही। अच्छा, गाड़ी तो बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, आगे के दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अच्छा, ये गाड़ी वाला डायरेक्ट लिया के ठोक दिया, ट्रक खड़ी हुई थी, धक्की लगी, उसको नींद में था जी, नींद में लगने के कारण वो काम पे बाई साइड में ट्रक खड़ी हुई थी। हाँ हाँ, उसमें ला के ठोक दिया। अच्छा अच्छा, तो लोग को कहाँ रिफर, बनारस रिफर किए हैं? रिफर कर दिए बनारस के लिए। बनारस के लिए हालत लोग गंभीर बनी हुई थी, हालत गंभीर है। चलिए धन्यवाद। ये थे अभी के समाचार। आगे कुछ खास खबरों के लिए देखते रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।